Hello students, my name is Anil Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. So we are studying coordination chemistry chapter of standard 12th. We had already discussed about complex salt, we had already discussed about double salt, the difference between both. हमने कुछ general terms किए coordination chemistry की, nomenclature कैसे देते हैं, उसके rules किए, उसके certain examples किए. Examples के मैंने दो video, total 7 video lectures अभी तक हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में किया. चलिए आज का जो वीडियो लेक्चर है उस वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू सेट अप अ फॉर्मूला इफ द नेम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज गिवन. सो फॉर्मूला राइटिंग इफ द नेम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज गिवन आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें. ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले जो हमेशा मेरा कहना होता है, सब्सक्राइब माई चैनल, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक माई चैनल. इफ यू रियली लाइक माई वीडियोज लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा. ऑफकोर्स कॉमेंट, अच्छे अच्छे से प्यार प्यार से कॉमेंट एंड बेल बटन पे क्लिक कीजिएगा, बिकॉज आपको जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे कॉम्प्लेक्स का नेम दिया हो तो फॉर्मूला सेटअप करते हैं. सबसे पहले रूल्स आपको ध्यान में रखना है. विच आर द रूल्स? बेसिकली इफ द कॉम्प्लेक्स नेम इज गिवन, हाउ टू गिव, हाउ टू राइट, सॉरी, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड. तो पहला रूल कौन सा है? बहुत ही सिंपल सा रूल है. कॉम्प्लेक्स के अंदर रूल नंबर 1, राइट, यू कैन सी द रूल्स ओवर हियर, आप देख सकते हो. रूल नंबर 1, आइडेंटिफाई द सेंट्रल मेटल एटम. सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को आइडेंटिफाई करो कौन सा है गिवन कॉम्प्लेक्स में. रूल नंबर 2, सेंट्रल एटम के पास में रोमन न्यूमरल में ऑक्सीडेशन नंबर दिया होता है, वो होता है सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर. सो आइडेंटिफाई करो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो रोमन न्यूमरल वाला पार्ट. रूल नंबर 3, आइडेंटिफाई द लिगैंड, कौन सा लिगैंड दिया गया है, नेम में देखो कौन सा लिगैंड दिया गया है. नेक्स्ट रूल, हाउ मेनी नंबर ऑफ लिगेंड्स आर गिवन टू यू, कितने टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स आपको दिए गए हैं, राइट, उसका आइडेंटिफाई करो. देन नेक्स्ट रूल, व्हाट इज द चार्ज ऑन ऑल द लिगेंड्स गिवन, सारे लिगेंड्स का जो चार्ज है वो टोटल चार्ज कितना लिगेंड्स का, वो फाइंड आउट करो. देन गो टू रूल नंबर 5. रूल नंबर 5 क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड का जो चार्ज है उसको सम कर दो, एडिशन करने से पूरे कॉम्प्लेक्स का आपको चार्ज मिलेगा और उस कॉम्प्लेक्स के चार्ज के बेस पे काउंटर आयन को आप सेट करो, हाउ मेनी नंबर ऑफ काउंटर आयन आर रिक्वायर्ड एज पर द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स. एंड फाइनल रूल, राइट द कॉम्प्लेक्स इन दिस फॉर्म, आप कोई भी फॉर्म में लिखोगे चलेगा, ये बेसिक फॉर्म है. मेटल एटम पहले, उसके बाद लिगेंड्स, उसमें भी पहले एनायन लिगेंड आएगा, फिर न्यूट्रल ऑर्गेनिक और फिर आएगा लास्ट में कैटायनिक. ये फॉर्मेट लिखो तो भी चलेगा, इट्स नॉट लाइक यही फॉर्मेट फॉलो करना है, बट बेसिकली ये फॉर्मेट यूज होता है. बेसिकली यू कैन राइट इन लाइक किसी में एनायन लास्ट में दिया है, लेटेस्ट रिकमेंडेशंस के हिसाब से एनायन लास्ट में देते हैं, फिर पहले न्यूट्रल देते हैं एक्सेट्रा. किसी किसी में अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, पहले अल्फाबेटिकली में जो आता है फिर अल्फाबेटिकली दूसरा आता है फिर जो थर्ड लिगेंड है वो अल्फाबेटिकली अरेंज करो तो भी चलेगा. व्हाटएवर, आपको सिर्फ देखना है कि कॉम्प्लेक्स के नेम के हिसाब से फॉर्मूला कौन सी सेट होती है. ठीक है, ये सारे रूल्स समझ में आया है ना. चलिए मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल, सर्टेन एग्जाम्पल. फॉर्मुलेट द complex having name, that's one name, tetraamine, right, aqua chlorido 3, tetraamine aqua chlorido 3, name dhyan se dekhna, chloride, right, number one tetraamine aqua chlorido, राइट, टेट्राएमाइन एक्वा क्लोरीडो कोबाल्ट, क्लोरीडो कोबाल्ट,
थ्री क्लोराइड। चलिए तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स, इसकी फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। रूल नंबर वन, आइडेंटिफाई द सेंट्रल मेटल एटम। चलिए सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है आइडेंटिफाइड, आई गेस इट्स कोबाल्ट, ये सेंट्रल मेटल एटम। रूल नंबर टू, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम विच इज रिटन इन रोमन न्यूमरल थ्री, सो इट इज योर प्लस थ्री। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। आइडेंटिफाई द लिगैंड, तीन लिगैंड है टेट्रा एमाइन, यानी यहां पे जो लिगैंड है वो एमाइन है एनएच थ्री, वो भी चार है टेट्रा एमाइन, यानी एनएच थ्री फोर। क्लियर, पहला लिगैंड। दूसरा लिगैंड एक्वा, एक्वा यानी एच टू ओ, लिगैंड नंबर टू। तीसरा लिगैंड क्लोरिडो सीएल, वो भी वन ही है सीएल। क्लियर, तो पहला रूल कौन सा था, आइडेंटिफाई सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट। रूल नंबर टू, उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन न्यूमरल द्वारा। रूल नंबर थ्री, लिगैंड सारे लिगैंड, ये सारे लिगैंड्स राइट। रूल नंबर फोर, सारे लिगैंड्स का चार्ज, टोटल चार्ज, न्यूट्रल का चार्ज होता है जीरो, न्यूट्रल का चार्ज होता है जीरो, यहां पे क्लोरीन उसका चार्ज माइनस वन, क्लोरिडो का, इसका नेम क्लोरिडो लगा देते हैं, क्लोरिडो का। ठीक है, क्लोरिडो, सिंपल सा फॉर्म है, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, चलिए कॉम्प्लेक्स लिख ही देते हैं, कॉम्प्लेक्स कौन सा बना सीओ, अल्फाबेटिकली जाते हैं, चलो NH3 4 पहले एमाइन, फिर H2O, फिर Cl, लेकिन मैंने आपको दिया था एनआईन कैटाइन, चले जैसे मैंने बताया, यू कैन राइट एनआईन फर्स्ट फिर न्यूट्रल, जो भी लिखो चलेगा, इट्स वन से। अब इसका टोटल चार्ज क्या है, आई डोंट नो, तो उसको मैं x एज्यूम कर लेता हूं, टोटल चार्ज x है, तो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलिए x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड का टोटल चार्ज का प्लस, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ x, इसका जो चार्ज है और पूरे लिगेंड का जो चार्ज है, मेटल का चार्ज प्लस लिगेंड का चार्ज, दैट इज एक्चुअली एक्स। व्हाट इज द चार्ज ऑफ मेटल, इट इज प्लस थ्री थ्री। व्हाट इज द चार्ज ऑफ लिगेंड, ये जीरो ये जीरो ये माइनस वन, यानी माइनस वन इज इक्वल टू एक्स, थ्री माइनस वन एक्स वैल्यू विल बी टू, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है उसका आयनिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज सीओ एन एच थ्री फोर एच टू ओ सी एल रेस टू प्लस हो जाएगा। काउंटर आयन कौन सा है, क्लोराइड है, काउंटर आयन Cl माइनस है। मैंने एक चीज बताई थी, जब भी आप किसी भी फॉर्मूला को लिखो उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज सिमिलर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, सेम पॉजिटिव चार्ज सेम नेगेटिव चार्ज राइट। प्लस टू है या माइनस वन है, गलत, प्लस टू है तो माइनस टू होना चाहिए, माइनस वन का माइनस टू करना हो तो यहां पर मैं टू डाल दू राइट, सीएल माइनस वन, सीएल माइनस वन बिकम सीएल टू माइनस माइनस टू, यानी टोटल चार्ज माइनस टू हो जाएगा, क्लियर एकदम, माइनस टू हो जाएगा। हैंस द फाइनल आंसर, आपकी फॉर्मूला क्या सेटअप हो गई, आपकी फॉर्मूला क्या सेटअप हो गई, सीओ एम एच थ्री फोर एच टू ओ सी एल सी एल टू, दिस इज योर फॉर्म्यूला। क्या बात है बच्चों, कितना आसान है समझना, है ना। पहला रूल कौन सा था, सेंट्रल मेटल एटम को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई कर दिया सर इट इज सीओ, फिर चार्ज वो भी आइडेंटिफाई कर दिया सर इट इज प्लस थ्री, क्योंकि रोमन न्यूमरल में प्लस थ्री है, फिर लिगैंड सर वो भी समझ में आ गया, एमाइन है एक्वा है क्लोरिडो, तो एमाइन का एनएच थ्री, एक्वा का एच टू, क्लोरिडो का सीएल। फिर आइडेंटिफाई द चार्ज ऑफ लिगैंड, एमाइन का जीरो एच टू ओ जीरो सीएल का माइनस वन, सर वो भी खत्म हो गया। फिर पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है वो पता नहीं है, तो पूरा चार्ज लाना हो तो मेटल और टोटल लिगैंड का चार्ज इज इक्वल टू एक्स, ये पूरे लिगैंड का चार्ज जो होता है दैट इज इक्वल टू एक्स, इसमें से एक्स मिल गया यानी पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज मिल गया प्लस टू, वो भी पता चल गया सर। चलिए क्लोराइड, तो क्लोराइड जो है वो होता है सीएल माइनस वन राइट, माइनस वन, माइनस वन होता है तो मुझे अगर चार्ज बैलेंस करना तो माइनस टू करना पड़ेगा, ओके सर तो मैं इसको टू कर देता हूं, फाइन, तो ये हो गया आपका फॉर्म। हाँ भाइयों और बहनों, काफी आसान है, समझ में आ जाना चाहिए, है ना आसान, बहुत ही सिंपल है।
बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। समझ में आ गया होगा, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। नहीं लिया, अरे बाप रे, स्क्रीनशॉट नहीं लिया, कोई बात नहीं, पीछे स्क्रॉल करो, ले लो, कितने देर लगेगी। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर टू पे जाते हैं। चलिए नंबर टू, अगर आपको फॉर्मूला लिखनी हो तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू, ये वाला कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सोडियम, फिर पेंटासाइनो, नाइट्रोसिल, सल्फाइडो, सोडियम, पेंटासाइनो, नाइट्रोसिल, सल्फाइडो, फेरिक थ्री। इसका मतलब यहां पे सोडियम जो है वो काउंटर आयन हो जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। नंबर टू, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल सल्फीडो, सल्फाइडो यानी सल्फर वाला पार्ट, फेरेट थरी, थरी फेरेट थरी, बहुत ही क्लियर सी चीज है, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का बाहर का पार्ट काउंटर आयन। तो पहले मैं लिख देता हूं पूरे कॉम्प्लेक्स को। चलिए रूल स्टेप नंबर वन, रूल के हिसाब से आइडेंटिफाई द मेटल एटम, इट इज फेरेट, एफी, फेरेट इज योर सेंट्रल मेटल एटम, एफी। आइडेंटिफाई द चार्ज, वो भी सर बहुत ही इजी है, इसका थ्री दिया है, ये प्लस थ्री हो जाएगा, बहुत ही आसान सा है सर। आइडेंटिफाई लिगेंड, चलिए सर हम वो भी कर देंगे, साइनो है लेकिन ये पेंटा यानी पांच साइनो ग्रुप है, इसलिए सर ये हो जाएगा सी एन का फाइव। सर दूसरा है नाइट्रोसिल, ओके गुड, वेरी गुड, नाइट्रोसिल इट्स एन ओ। सल्फीडो यानी, सल्फीडो यानी सल्फर, सल्फीडो यानी सल्फर, सर उसका भी एस आइडेंटिफाई कर दिया, लिगेंड को भी सर, ठीक है। चलिए तो अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बोलो बोलो क्या करेंगे। चार्ज ऑन द लिगेंड, सीएन का माइनस वन, टोटल चार्ज माइनस फाइव, न्यूट्रल का जीरो, सल्फर का माइनस टू, ग्रेट, दैट्स ग्रेट, ठीक है, ये हो गया चार्ज। चलिए कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स में पहले एफ ही आएगा, फिर सी एन फाइव अल्फाबेटिकली जो है उस हिसाब से लिखते हैं, फिर एनओ, फिर सल्फर, ठीक है, सोडियम बाहर, चलिए उसको बाद में लिखते हैं, नो इश्यूज। इसके ऊपर एक्स, यानी मेटल का एम और लिगेंड का टोटल चार्ज, उसका जो सम होगा, लिगेंड का टोटल चार्ज उसका जो सम होगा, दैट विल बी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ एक्स, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए मेटल का कितना है, थ्री, लिगेंड माइनस फाइव माइनस टू, बोलो माइनस फाइव माइनस टू कितना होता है, माइनस सेवन है ना, माइनस फाइव माइनस टू का कितना होता है, माइनस सेवन, चलिए माइनस सेवन लिख दो, इट्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी फोर, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लस फोर, हैंस पूरा कॉम्प्लेक्स ये हो जाएगा एफ ई सी एन फाइव एन ओ एस ऊपर चार्ज प्लस फोर, कुछ कुछ सॉरी माइनस फोर, ये दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, माइनस फोर ग्रेटर नंबर साइन मैथमेटिकल रूल, ठीक है, माइनस फोर। चलिए अगर ये माइनस फोर है, सोडियम प्लस वन है, सोडियम का चार्ज प्लस वन है, चार्ज शुड बी बैलेंस, अगर माइनस फोर चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज भी प्लस फोर होना चाहिए, प्लस फोर, ये प्लस वन है यानी चार सोडियम लेने पड़ेंगे, फोर सोडियम, एक का प्लस वन चार का प्लस फोर, सो हेंस योर फॉर्मूला इज एन फोर एफ ई सी एन फाइव एन ओ एस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, सो सिंपल है, बहुत ही आसान है, यह समझना बहुत ही आसान है। सेंट्रल मेटल एटम को आइडेंटिफाई करो, उसका चार्ज ले लो, उसका लिगेंड है, फिर लिगेंड कौन से आइडेंटिफाई करके उसका चार्ज ले लो, दोनों का सम कर दो, टोटल कॉम्प्लेक्स का चार्ज मिलेगा, उसके ऊपर से काउंटर आयन का सेट करो, हो गया फॉर्मूला, या हो गया, हो गया, ठीक है, इज इट। चलिए
तो ये हो गया आपका नंबर, ये हो गया आपका नंबर टू। चलिए अब करते हैं नंबर थ्री। फाइन, कहां गया रे बच्चे। नंबर थ्री थर्ड वन, आइडेंटिफाई द फॉर्मूला ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट टू। पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट टू, पॉज करो वीडियो और खुद का आंसर जो आता है वो डिसाइड कर लो पहले। पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट टू हो गया। चलिए तो हम डालते हैं अब इसके फॉर्मूला। अब मैं डायरेक्टली लिखने की ट्राई करूंगा, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट ट्यू। फाइन, डायरेक्टली लिखो चलो के बाहर लिख दो ब्रैकेट में जिंक ZN, ये OH4, ये फॉर्मूला इतनी सेट हो गई ठीक है एज पर फॉर्मूले। लेकिन ये के काउंटर आयन कितने हैं वो फाइंड करने हैं। फाइंड आउट जिंक का प्लस टू, ZN प्लस टू, राइट, ओ माइनस वन, टोटल माइनस फोर है तो कितना हो गया माइनस टू, ये चार्ज माइनस टू तो इसको प्लस टू बनाना है तो K2, यानी फॉर्मूला K2 ZN OH4 डायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्यों भैया, JEE में है ना टाइम लिमिट बहुत ही कम देते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं JEE में, नीट में होते 45 क्वेश्चन, 3 आवर्स होते हैं दोनों ठीक है। JEE में 25 25 25 ठीक है, केमिस्ट्री का 1 आवर 60 मिनट्स 25 क्वेश्चंस, बहुत स्टूडेंट को लगता है 60 मिनट्स 25 क्वेश्चंस यानी एक क्वेश्चन के पीछे 2 मिनट, गलत। जितना क्वेश्चन शॉर्ट में हो जाए उतना बढ़िया है आपके लिए, यस उतना बढ़िया है, क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट में जाओगे तो वो आपका समय खा जाएगा, वो आपका समय कैलकुलेशन न्यूमेरिकल वाला वो आपका समय खा जाएगा। यानी जहां जहां शॉर्टकट में लिख सकते हो वहां वहां शॉर्टकट पे जाना है ठीक है। हाँ ये सीखना पड़ेगा, ये हैबिट लगानी पड़ेगी, जितने भी ट्वेल्थ में है, जो इलेवेंथ में आए हैं, जो ट्वेल्थ में है, जो एग्जाम देने वाले हैं, सभी स्टूडेंट्स करना पड़ेगा आपको ये शॉर्ट ट्रिक वाली हैबिट लगानी पड़ेगी। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इट्स अ शॉर्ट, नॉट शॉर्ट ट्रिक आप बोल सकते हो, लॉजिक है, ये ऐसा लॉजिक आपको यूज करना पड़ेगा। मैंने पहले दो एग्जांपल में पूरा सेटअप दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ये एग्जांपल मैंने इस तरह से दिखाया लॉजिक। 10 सेकंड ऐसे क्वेश्चन 5 to 10 सेकंड में कर दो, बहुत ही टाइम नहीं लगता। मैंने जैसे बोला इंफॉर्मेटिव पार्ट जो इतना होता है ना, उस इंफॉर्मेटिव पार्ट को कम से कम सेकंड में करने की ट्राई करो ठीक है, तो ही आपको समझ में आएगा। चलिए कोई बात नहीं, तो ये हो गया थर्ड वन। नेक्स्ट हेक्सा, नेक्स्ट वन देख लो, ये वाला क्वेश्चन हेक्सा एक्वा आयरन 3-2 सल्फेट, हेक्सा एक्वा आयरन 2 सल्फेट, ये आयरन 2 सल्फेट हेक्सा एक्वा। चलिए बहुत ही आसान है, हेक्सा एक्वा आयरन 2 सल्फेट। पॉज करके लिख दो मेरे बच्चों, पॉज कर दो, 1 2 3 पॉज, कम ऑन, चलिए पॉज हटा दो, अब देखते हैं ठीक है कॉम्प्लेक्स। चलिए पहला कॉम्प्लेक्स है, ये हो गया काउंटर आयन, बाहर का आयन, बाहर का निकल, चलो एग्जैक्ट आयरन Fe H2O6SO4। चलिए अब काउंटर आयन कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 पता नहीं काउंटर आयन कितने होने चाहिए, तो एक काम करते हैं पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज, एफी का कितना दिया है 2 प्लस 2, ये तो जीरो होता है ना, वाटर न्यूट्रल है, ये तो जीरो होगा, ये प्लस टू जीरो टोटल चार्ज प्लस 2, ये प्लस 2 सल्फेट का -2 होता है, ये +2 होता है, दैट्स इट, ये फाइनल फॉर्मूला हो गया, कुछ डालने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सब हो गया बॉस सब हो गया है ना, इजी है, आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर, कितना आसान है। चलिए
नेक्स्ट वाला फिफ्थ वन, ये आपको सीबीएसई 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान से देखो। पेंटा एमाइन नाइट्रीटो ओ कोबाल्ट 3 आयन, पेंटा एमाइन नाइट्रीटो सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है। सीबीएसई वाले ने वाट लगा दी थी, नहीं लगाई थी बच्चा, बहुत इजी था। चलो पेंटा एमाइन का करे बबुआ नाइट्रीटो और ओ पेंटा अमाइन नाइट्रीटो नाइट्रीटो कोबाल्ट 3 आयन, पेंटामाइन। चलिए लिख दो पेंटा एमाइन, पहले तो मेटल आता है ना, मेटल यस पहले मेटल यानी कोबाल्ट सीओ, अब एमाइन NH3 5 पेंटा एमाइन नाइट्रीटो, लेकिन ओ है नाइट्रीटो ओ है राइट, आपको मैंने फॉर्म दिखाया था NO2, ये ऐसा लिख सकते हैं या तो NO2 लिख सकते हैं या ONO लिख सकते हैं, अगर NO2 लिखा तो ये हो जाएगा नाइट्रो, अगर ONO लिखा तो ये हो जाएगा नाइट्रीचो नाइट्रीचो, ठीक है नाइट्रीटो, यानी ये हो जाएगा ONO, हालांकि दोनों का चार्ज -1 ही होता है, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, दोनों का चार्ज -3 होता है, -1 सॉरी, ठीक है। आयरन आयन, देखो आयन लिखा है यानी कोई काउंटर आयन नहीं है, काउंटर आयन जैसे यहां पे सल्फेट था पोटेश, ऐसा कोई काउंटर आयन नहीं है, पूरा कॉम्प्लेक्स ही आयनिक चार्ज है, तो ये प्लस है माइनस वी डोंट नो, प्लस है या माइनस वी डोंट नो, तो फाइंड कर लो, डोंट नो क्या करते हो, फाइंड कर लो। चलो कोबाल्ट का 3 + 3 NH3 का आई डोंट नो 0, चलो ठीक है, ONO का -1 3 - 1 यानी +2 यानी पूरा कॉम्प्लेक्स +2 चार्ज है, पूरा कॉम्प्लेक्स +2 चार्ज है। ये हो गया सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन, बहुत ही आसान था, पूरे मार्क मिल गए थे सर हमको तो, 2015 वाले अगर देख रहे होंगे तो बोल रहे होंगे हम तो रिसेंट वाले भैया, चलिए रिसेंट करना है, नंबर 5 बहुत ही आसान है ना। चलिए ये हो गया आपका नंबर 5 सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और ये लगाया 6R। चलिए नेक्स्ट पेंटा एमाइन, सॉरी नंबर 6 पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट, पोटेशियम देख लो टेट्रासाइनोनिकलेट 3 पोटेशियम पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट 3 पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट के ऊपर है, डायरेक्ट लिखेंगे हैबिट डायरेक्टली डालिए, हैबिट डायरेक्टली डालिए ठीक है, हैबिट यस, पोटेशियम यानी के काउंटर आयन हो गया, बेसिकली आपको पता नहीं चले तो इतना याद रखो, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो मेटल होते हैं वो हमेशा काउंटर आयन होते हैं, इतना याद रखो, इसलिए उसको बाहर डालेंगे। टेट्रासाइनोनिकलेट Ni निकलेट टेट्रासाइनो CN5, अच्छा पोटेशियम कितने होंगे सर, नहीं पता क्यों नहीं पता, क्योंकि कैलकुलेट नहीं किया, तो कर लो निकलेट +3 साइनो -4 क्यों -4 ये 4 आएगा सर, ओके चलिए 4 टेट्रा 4 साइनो -4 हो गया, एक सीएन का माइनस वन टोटल 4 है -4, चलो एक का दो चलिए +1 हो गया, यानी अरे -1 सॉरी, यानी अगर कॉम्प्लेक्स -1 है तो पोटेशियम हो जाएगा +1, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला सेट हो गई, ये आपकी डायरेक्टली फॉर्मूला सेट हो गई है ना, ये आपकी फॉर्मूला डायरेक्टली सेट हो गई, मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मेरे बच्चों को इतना समझ में आ जाए, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। हाँ चलिए कोई बात नहीं, फाइन एक दो और कर लेते हैं, चल एक दो और कर देते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ एक दो तीन नंबर 7 व्हाट इज द आईओपीएससी नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स,
What is the IUPAC name of this complex? Dichloridochlorine. Dichlorido tetraamine cobalt 3i. Dichlorido tetraamine cobalt 3i. Dichlorido. Tetraamine cobalt 3i. खुद से ट्राई करोगे, खुद से करोगे, चलो डर के आगे जीत है। स्प्राइट ड्यू, माउंटेन ड्यू, चलो चलिए ट्राई बाय योरसेल्फ। यस, पॉज करो फटाफट, क्विक पॉज करो। आ गया, चलिए आ गया। फाइन, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान सा सवाल पूछ लिया, कोई बात नहीं। चलिए, कोबाल्ट हो गया सेंट्रल मेटल आयन, डाइक्लोरिडो यानी Cl2, टेट्राएमाइन एक्चुअली NH3 4। मैंने ये सिर्फ आपको एग्जांपल सॉल्व करने के लिए दिया है, अदरवाइज ये रॉन्ग है। पहले आता है टेट्राएमाइन फिर डाइक्लोरिडो पार्टिकल, तो मुझे पता है कुछ कॉमेंट करेंगे सर ये वाला क्यों। अरे भाई चिल मारो, टेट्राएमाइन डाइक्लोरो मुझे पता है, ये तो सिर्फ हमें फॉर्मूला कैसे सेट करनी है इसके लिए हमें हिंट दी है। अच्छा, वो हिंट हिंट का यूज करके ये करना है, दैट्स इट। बाकी कुछ नहीं, ऊपर कोई चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आएगा नहीं पता तो फाइंड कर लो भैया, क्योंकि ये आयन है, कोई काउंटर आयन है ही नहीं, क्लियर। तो इसका लेखा जोखा चलो फाइंड करो। कोबाल्ट का +3, Cl का -1 -1 -2 यानी टोटल चार्ज +1, NH3 का 0 ही होता है यानी इसका +1 चार्ज हो गया। ये हो गया आपका फाइनल एंसोर बोलते हैं ना सर, स्कूल सर, स्केल, स्टैंड, इस पता नहीं इस क्यों बोलते हैं, बेसिकली बोलते हैं स्कूल, स्टैंड। चलो कोई बात नहीं, नंबर एट आपके स्क्रीन पे यू कैन सी दैट। चलिए try tristan 1 to diamine organic aaya yaar, tristan 1 to diamine chromium 3 chloride, tristan 1 to diamine chromium 3 chloride, tris chaliye ethan 1,2-diamine, tristan 1,2-diamine क्रोमियम 3-chloride। चलो चले आंसर सॉल्व कर ले, चलो पॉज कर दो, आंसर फाइंड कर दो, सबको आना चाहिए, बहुत ही आसान सा है। नथिंग दड़ मारिंग, इधर दड़ मारिंग, कुछ दड़ मारिंग, नथिंग दड़ मारिंग, चलो अरे करना, तूने तो सबको परेशान में डाल दिया मेरे प्यारे करोना। चलिए आंसर, ओके, क्रोमियम इट इज Cr, फिर ट्रिस इथेन 1-to-diamine, ट्रिस यानी 3 क्लोराइड Cl। अच्छा कितने क्लोराइड, कितने काउंटर आए हैं नहीं पता सरदार, तो फाइंड करो बेटा। चलिए ट्रिस इथेन 1 2 वो तो 0 हो जाएगा, क्रोमियम का +3 है यानी टोटल चार्ज +3, कॉम्प्लेक्स का, पूरे कॉम्प्लेक्स का +3 चार्ज आ गया, इसका 0 है, इसका +3 है यानी पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज हो गया +3, क्लोरीन -1 होता है, मैंने कुछ बोला था याद है, टोटल पॉजिटिव इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव, तो -1 का -3 बना हो तो 3 कर दो, Cl3 हो जाएगा, यानी इसका फाइनल आंसर हो गया ये, है ना, दिस इज योर फाइनल आंसर। मजा आया? तो ये था पूरा लेक्चर जिसमें अगर कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है तो उसकी फॉर्मूला कैसे सेट करते हैं। यहां पे क्वाड्रेशन कंपाउंड का बढ़िया सा टॉपिक खत्म होता है, कैसे आईयूपीएसी नेम देना है, कैसे कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है तो उसके हिसाब से फॉर्मूला सेट करने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाने वाले हैं, आइसोमेरिज्म, उसमें दो पार्ट होंगे,
ऑप्टिकल स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, स्टीरियो में वापस ज्योमेट्रिकल और आएगा ऑप्टिकल, और स्ट्रक्चरल में हम लोग देखेंगे आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, हाइड्रेशन आइसोमरिज्म, सॉल्यूशन आइसोमरिज्म, और फाइनली हम लोग चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी पीछे से देखने वाले हैं। सो बने रहे मेरे वीडियो लेक्चर के साथ, और प्लीज बहुत ही अच्छा सा वीडियो बनाया है, एफर्ट लगा रहा हूँ आपको अच्छे से जेईई नीट के वीडियो लेक्चर्स मिलता रहे, आप स्टडी करते रहे, मार्क्स अचीव करते रहे। उसके लिए अगर मेरी वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे तो प्लीज 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 गिव लाइक, कॉमेंट दीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड यस, स्टे सेफ बच्चों, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। एंड यस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।